जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आप अक्सर ये बात मुझसे पूछते हैं कि हमारा इष्ट देव कौन है, हमारा इष्ट गुरु कौन है, या हमारा इष्ट देव कौन है, हमारे भगवान कौन है जिसकी हमें पूजा करना चाहिए, या हम अभी जिन भगवानों की पूजा कर रहे हैं क्या हमारे वो इष्ट देव है भी कि नहीं है। तो इष्ट देव कौन है, कैसे हैं, क्या है, और इष्ट देव से रिलेटेड हमारे हर एक प्रश्न का आपके जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं एक बात इस वीडियो में पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इष्ट देव जो होते हैं दोस्तों, उसके बारे में आप पूरी विस्तृत जो भी चीज़ें जानना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, तभी आपको एक एक बात बारीकी से समझ आ पाएगी। क्योंकि मुझे अक्सर ये कमेंट्स मिलते हैं कि हमारा इष्ट देव कौन है पंडित जी, और इष्ट देव तो चलो ठीक है, हम जिनकी पूजा करते हैं वो हमारे इष्ट देव है भी कि नहीं है, हमें तो किसी ने बताया भी नहीं है, और इस विषय को लेकर हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं कि क्या करें, हमें इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमें लाभ मिलेगा कि नहीं, हमें तो कोई फ़ायदा मिल ही नहीं रहा है। तो ये सब बहुत सारी बातें आपके मन में उद्गार उठता है इष्ट देव से रिलेटेड कि हमारे इष्ट देव आखिर है कौन। तो इस वीडियो में हम इसी विषय की चर्चा करेंगे, और ये जो विषय है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, और इस वीडियो को हम थोड़ा सा आगे ले जाएं उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट से लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहा है, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें और अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। इष्ट देव जो होते हैं दोस्तों, हम जब बचपन से होते हैं, हमारे माता पिता, हमारे परिजन जो भी हैं, हमारी शुरू से बचपन से ही एक आस्था बन जाती है, चाहे वो बजरंग बली में हो, चाहे राम जी में हो, चाहे शिव जी में हो, सीता मैया में हो, संतोषी माता में हो, चाहे कोई भी। हाँ, मैं एक जरूर बात कि आप किन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं वो कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि हमें पता लग पाए कि लोगों के कितने कौन कौन भगवान इष्ट देव हैं। तो पहली और मुख्य बात है कि गीता पढ़े आप, रामायण पढ़े, हर एक ग्रंथ जो हमारा धार्मिक है, कि सभी एक ही रास्ता है, मतलब सभी ईश्वर एक है, सिर्फ उनके स्वरूप अलग अलग है। तो ये बात अपने मन में अभी बिठा ले कि आप जिन भी देवी देवताओं को आपका बचपन से मानने का मन है, आपका आत्मी स्वभाव है, जो भी भगवान हो वो ईश्वर है, और वही शिव है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही माँ है, वही देवी सरस्वती, वो सभी हैं। क्योंकि ईश्वर का स्वरूप एक ही है, ईश्वर एक ही है, उसके स्वरूप अनेक है, उसकी लीलाएं अनेक है, और हम उनकी लीलाओं, जो भी लीला है ईश्वर की, उन लीलाओं के जो भी भगवान इस धरती पे आए, इस धरा पे आए, वो भी ईश्वर है। तो हम जिन्हें भी मानते हैं वही हमारे इष्ट हैं, इसमें कभी कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, अगर कंफ्यूजन क्रिएट करोगे तो दिक्कत दे विषय है। और दूसरा, ये निस्वार्थ भाव से होते हैं, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है कि इन भगवान की पूजा करने से हमें ये मिलेगा वो, ऐसा कुछ नहीं। ये इस मानवीय धर्म, और हम मानवीय धर्म और इस पृथ्वी पर आने के बाद हमारा पहला दायित्व तो है प्रकृति को संरक्षण और ईश्वर में पूर्ण आस्था, पूर्ण यकीन, क्योंकि वो इस प्रकृति को चला रहा है, वही बारिश, वही खाना, वही अन्न, सब कुछ हमें दे रहा है। तो हमें उनका कृतज्ञता जताना है, न कि हमें और कुछ लेना है, वो सब दिया है उनने और सब देता भी रहेगा। तो इष्ट देव जो आपके हैं, जिनमें आपके देवी देव जिनकी आस्था है, वही आपके इष्ट हैं और वही सच हैं। ओम नमः शिवाय।